वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि रीजनिंग के इस सीरीज में हम आज सलॉक्स पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले तीन क्लास में हमने सलॉक्स के कंसेप्ट को समझा था, और उन सारे कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से उसको हल किया जाता है। और बाकी के जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए थे, इस एक्सरसाइज में वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वाले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट का है, उन सारे कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे तभी आप सलॉक्स को अच्छे से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो वो पिछले वाले तीनों वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आप सलॉक्स अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आसानी से उसको हल कर लेंगे अगर उन कंसेप्ट को आपने देख लिया है और उनका कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आपके पास जैसे कि स्टडी ग्रुप हो और आपके फ्रेंड्स अगर स्टडी करते हो तो आप इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कर दें और उन्हें भी बता दें, ताकि उनके लिए भी जो एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हों उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था कि जो स्लॉक्स में चार सेंटेंस होते हैं, यानी चार स्टेटमेंट होते हैं, उन्हीं से निकल के बहुत सारे रिलेशन बनते हैं और रिलेशन से कंक्लूजन निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम उन चीज़ों को देख लेंगे जो बेसिक चीज़ हम पढ़े हैं, थोड़ी सी उन सेंटेंस के बारे में पढ़ लेंगे कि वो कौन कौन से सेंटेंस है जो सलॉक्स में चार तरह के, जिससे सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम देख लेंगे दो तीन मिनट का समय लेकर। इसके बाद हम आगे आज क्वेश्चन करने वाले हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि जो पहला सेंटेंस था वो पहला सेंटेंस क्या था, क्योंकि चार सेंटेंस जो हैं सलॉक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उन सेंटेंस से आप रिलेशन निकालना समझ गए तो समझिए पूरा सलॉक्स आप समझ गए और पूरे सलॉक्स को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या था अगर हम पहले की बात करें तो सबसे पहला सेंटेंस आता है कि ऑल ए आर बी। इससे कितने रिलेशन फ्रेंड्स हमने निकाले थे, अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इससे कितने रिलेशन निकल के आ रहे थे। इससे तीन रिलेशन निकल के आ रहे थे। कौन कौन से इससे तीन रिलेशन निकल रहे थे, तो इससे रिलेशन निकल रहे थे, पहला रिलेशन तो निकलेगा कि ऑल ए आर बी। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा निकलेगा सम ए आर बी, और तीसरे की बात करें तो सम वी आर ए। इस तरह से इसमें तीन सेंटेंस निकलते हैं फ्रेंड्स, इसमें तीन रिलेशन निकल के आते हैं। अगर हम अगले की बात करें, अगला सेंटेंस कौन सा था, अगला था सम। साथ ही साथ इसके हम चित्र के बारे में भी बात कर लेंगे, किस तरह से इसका वेन डायग्राम बनता था। तो इनका वेन डायग्राम इस तरह से बनता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, दूसरा क्या था उसमें, तो सम ए आर बी। इसमें कितने निकल के आते थे रिलेशन, इसमें दो रिलेशन निकल के आते थे। इसकी डायग्राम की बात करें तो इसकी डायग्राम इस तरह से बनते थे, हमने पीछे देखा है, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। इसमें तीन दो रिलेशन कौन कौन से निकल के आ रहे थे, सम ए आर बी, और दूसरे की बात करें तो सम बी आर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरा कौन सा स्टेटमेंट था, तीसरा था नो ए आर बी। इसमें कितने निकल के आ रहे थे, इसमें चार निकल के आ रहे थे। इसमें चार कौन कौन से थे, अगर इसकी डायग्राम की बात कर लें तो इसकी डायग्राम ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इन दोनों के बीच कहा जा रहा है कि कोई ए बी नहीं है। इसमें चार कौन कौन से निकल के आ रहे थे, पहले की बात करें हम तो यहाँ पे नो ए इज बी, दूसरे की बात करें तो नो बी इज ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ तीसरे की बात करते हैं, तीसरा इसमें क्या रिलेशन निकल के आएगा, तीसरा निकल के आएगा सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। और अगर हम यहाँ चौथे की बात करें तो चौथा निकल के आता है सम
बी आर नॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से चार रिलेशन निकल के आते हैं। अगर इन रिलेशन को आप क्लियर कर लेते हैं तो ये समझिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें ये कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सलॉक्स के हल होते हैं। तो इस तरह से आप इसके शॉर्ट स्क्रीन लेके इसको बार बार देख के आप इसको समझ सकते हैं। इसके हम कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन देखने वाले आगे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम करते हैं। तो फ्रेंड्स अगले हम बात कर लेते हैं, तीन तक हमने कर लिया है, चौथे की बात करते हैं। चौथा कौन सा आता है, चौथा सेंटेंस सलॉक्स में कौन सा होता है? चौथा आता है सम ए आर नॉट बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी हम चित्र की बात करें तो इसका डायग्राम ए और बी, यानी इस तरह से इसका डायग्राम बनता है, यानी कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखे रहेंगे। आगे हम बात करेंगे, क्योंकि ये चार कंसेप्ट हो गया, आगे अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करेंगे कि एग्जाम में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स जैसे कि हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है कि क्या इसमें कंसेप्ट हैं, और थोड़ा शॉर्टली देख लिया है, बाकी डिटेल में देखना है तो पिछले वीडियो में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए, जैसे कि हमने कहा था कि अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सभी पक्षी लंबे हैं और कुछ लंबे मोर हैं। फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, जैसे कि दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, हम केवल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और इसके निष्कर्ष और ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहा जा रहा है कि सभी पक्षी लंबे हैं, पक्षी की बात करते हैं, सभी पक्षी क्या हैं, लंबे हैं। इसका डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे, लंबे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कह रहा है कि कुछ मोर लंबे हैं, और इसमें कह रहा है कि कुछ लंबे मोर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले कहा कि सभी पक्षी लंबे हैं, आगे कह रहा है कि कुछ लंबे मोर हैं, कुछ लंबे मोर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ऑप्शन हमारे पास दो दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें निष्कर्ष दिए हुए हैं, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ पक्षी मोर हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे निष्कर्ष में कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ पक्षी मोर हैं, कुछ पक्षी मोर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो रहा है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कंक्लूजन कि कुछ मोर लंबे हैं, कुछ मोर लंबे हैं, तो ये भी हमारा सही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कथन जो कह रहा है उसमें से हमारा निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सही हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सही कैसे हो रहा है, जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी पक्षी लंबे हैं और लंबे कुछ लंबे क्या हैं, मोर हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने एग्जाम्पल देके वहाँ पे बताया था कि जो सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, और जो भी इलाहाबाद वाला अगर जाएगा चाइना, यानी सभी कहा जाए यहाँ पे कि सभी भारतीय चाइना जाएंगे, तो क्या है, इलाहाबाद वाला भी चाइना तो जाएगा ही, क्योंकि इलाहाबाद भी भारत में ही है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हमारा सही हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रेंड्स यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन को हमने देख लिया और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है, इसमें कथन है कि सभी नदियाँ बादल हैं, सभी नदियाँ हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पहले, सभी नदियाँ क्या हैं, बादल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी नदियाँ क्या हैं,
बादल हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला स्टेटमेंट है कि कुछ जानवर नदियां हैं। कुछ जानवर जो है क्या है, नदियां हैं। इस तरह से डायग्राम हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, जिस तरह से कथन में कहा गया है उस तरह से। हमारे पास चार ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है और इसमें चार निष्कर्ष भी दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ नदियां क्या हैं, जानवर है, यानी इसकी बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखा था कि जहां पे सम आता है वहां पे दो ही रिलेशन बनते हैं, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड से बनेगा या राइट साइड से बनेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी नदियां जो है, यानी यहाँ राइट साइड से बन रहा है, सभी नदियां कुछ नदियां जानवर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ नदियां जानवर है इसकी बात कर रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला है, अगला कंक्लूजन यानी सेकेंड, कि कुछ बादल नदियां हैं। कुछ बादल क्या है, नदियां हैं, यानी ये पूरा पार्ट तो बादल का है ये, लेकिन कुछ इसमें नदियां भी हैं, यानी इसकी बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाले पार्ट का कह रहा है, यानी कुछ बादल नदियां हैं, तो ये भी राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है तीसरा, सभी बादल नदियां हैं, तीसरा नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, कि सभी बादल जो हैं नदियां हैं, तो ऐसा तो है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ बादल ही नदियां हैं, सभी नहीं है, क्योंकि नदियां इतने पार्ट में हैं, पूरे पार्ट में नहीं हैं, तो इतने पार्ट में है यानी कुछ ही भाग में तो नदियां हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सभी बादल नदियां हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगले की बात करें, चौथा कंक्लूजन का, ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है फ्रेंड्स। चौथे कंक्लूजन, सभी जानवर बादल हैं, सभी जानवर बादल हैं। तो फ्रेंड्स, जो जानवर है वो इतने प्लेस पे है, इतने प्लेस पे, ये पूरे बादल पे तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी जो कंक्लूजन दिए हुए हैं इस स्टेटमेंट से, जिसमें क्या है, दो राइट और दो रॉन्ग है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट होगा, और तीसरा और चौथा जो इसमें कंक्लूजन दिए हुए हैं वो क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो हमारा इसमें कथन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा ए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ कंप्यूटर प्रिंटर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो क्लास इसके लेंगे, दो क्लास में सारे टाइप के क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे, और बाकी आपने कंसेप्ट देख लिया होगा तो वो चीज़ तो समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, यानी कंप्यूटर जो कुछ कंप्यूटर हैं वो क्या है, प्रिंटर है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला स्टेटमेंट है कि सभी मॉडेम प्रिंटर हैं, सभी मॉडेम प्रिंटर हैं, इस तरह से प्रिंटर हो गया, प्रिंटर, और जो सभी मॉडेम हैं ये हो गया मॉडेम, ठीक है फ्रेंड्स। सभी मॉडेम क्या है, प्रिंटर है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें निष्कर्ष क्या है, इसमें निष्कर्ष में पहले में कह रहा है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं। क्या सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं? कंप्यूटर तो केवल इतने हैं जो कि सम्मिलित रूप से प्रिंटर हैं, लेकिन ये सभी की बात कर रहा है, इधर वाले की भी बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम अगले की बात करते हैं, अगला कंक्लूजन क्या है कि कुछ प्रिंटर मॉडेम है, कुछ प्रिंटर मॉडेम है, यानी पूरा प्रिंटर का भाग तो ये है, लेकिन कुछ जो ऐसे प्रिंटर जो हैं जो क्या है, मॉडेम है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी सभी मॉडेम प्रिंटर है, तो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि सभी जहां आता है वहां सम भी लेके आ जाता है साथ में, तो ये क्या कर रहा है, इतने भाग पे क्या है, मॉडेम है, पूरे भाग पे तो मॉडेम है नहीं, तो यहाँ पे ये वाला राइट हो जाएगा। यानी कुछ प्रिंटर जो है क्या है, मॉडेम है, जैसे कि निष्कर्ष में कह रहा है, तो सेकेंड नंबर। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे निष्कर्ष जो पहला ऑप्शन, पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो रहा है और दूसरा निष्कर्ष सही हो रहा है, तो इसमें जो दिया हुआ है केवल अनुसरण सेकेंड कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, सेकेंड वाला। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ गया हमने। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कुछ पेपर पेंसिल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तो आपको फ्रेंड्स इजी लग रहा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में हमने थोड़े से इजी टाइप का क्वेश्चन लिया है, आगे थोड़े से हम डिफिकल्ट, जैसे कि लास्ट कंसेप्ट में हमने पढ़ा था तो वहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं घुमावदार, तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो जैसे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि कुछ पेपर पेंसिल हैं, जो कुछ पेपर ठीक है फ्रेंड्स, पेंसिल ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पेपर पेंसिल हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ पेपर पेंसिल है कर लिया हमने, अगला कह रहा है कि कुछ पेंसिल रबड़ ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अगला कह रहा है कि सभी जो रबड़ हैं वो डिब्बे हैं ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है, जैसे इसके अगर निष्कर्ष की बात करें ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके निष्कर्ष दो दिए हुए हैं। पहला है कि कुछ रबड़ पेपर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या सही करेंगे, पहला जो कंक्लूजन दिया हुआ है राइट है या रॉन्ग है, जैसे पेपर और रबड़ का रिलेशन का बात कर रहा है यहाँ पे, तो पेपर और रबड़ में आपको रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर सकेंगे आप। जैसे कि कंसेप्ट में हमने पढ़ाया था कि अगर आपको जिसके बारे में कहा जाए आप उसी के ध्यान में रखेंगे और उसी चीज़ को आप समझेंगे, स्लॉग्स को आपको पढ़ना है तो केवल जो सेंटेंस में दिया रहेगा उन्हीं चीज़ों को समझना है। तो जो हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है वो पेपर और पेंसिल की बात कर रहा है, और पेपर और रबड़ का जो है इस तरह से रिलेशन बन रहा है, यानी दूर दूर तक जो चीज़ें नहीं पूछा है उसको हमने गायब कर दिया सीधा। डिब्बे और पेंसिल के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है पहले निष्कर्ष में, तो इन लोग के बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ पेपर रबड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। अगले निष्कर्ष की बात करें तो अगले निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ जो पेपर हैं वो डिब्बे हैं ये राइट है, ये भी राइट नहीं है क्योंकि इसका भी डायग्राम इसी तरह से बन रहा है, यहाँ पे हम डिब्बे कर दें ठीक है फ्रेंड्स। तो इन लोग में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है मतलब इसको हम गलत और सही भी नहीं कह सकते, इसको हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमने बताया था पीछे कि जिस चीज़ के बारे में हमें पूरा क्लियर नहीं हो उस चीज़ के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, न गलत कह सकते हैं और न पूरी तरह से सही कह सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये भी रॉन्ग होगा ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहीं पे कह देता इन लोग के रिलेशन के बारे में, हमने देख लिया कि जो निष्कर्ष निकला है फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो इसलिए दोनों निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएंगे, दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहीं पर हम कह देते कि कुछ पेपर का डिब्बा होने की संभावना है ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जिस चीज़ के हमें, क्योंकि पेपर और डब्बे के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम डेफिनेटली इसको ये क्या नहीं पता है, तो यहाँ पे संभावना आ रहा है और इसको हम डेफिनेटली राइट कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सीधा सीधा कह दे कि कुछ पेपर रबड़ है या कुछ पेपर डब्बा है तो यहाँ पे डेफिनेटली राइट कहा जा रहा है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली राइट कहा जा रहा है कि कुछ पेपर जो हैं डिब्बे हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें संभावना दिखाना है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ पेपर डब्बे होने की संभावना है या हो भी सकता है, संभावना का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें एक्चुअली में कुछ पता नहीं है ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देख लिया क्वेश्चन को, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि कुछ हाथी शेर हैं, कुछ हाथी जो हैं क्या है, शेर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट में कह रहा है कि कुछ शेर ऊंट हैं, क्या है, ऊंट है। ये तीन स्टेटमेंट दिए थे, हमने इसको बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब निष्कर्ष में कहा जा रहा है, हमारे पास यहाँ पे दो निष्कर्ष है। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि कुछ गाय ऊंट हैं, कुछ गाय ऊंट हैं। अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन, ठीक है फ्रेंड्स, सभी शेर गाय हैं। फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम है और ये इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, यानी निष्कर्ष दिया हुआ है। इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे गाय है और एक ऊंट है, लेकिन डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाथी है, शेर है और ऊंट है। गाय तो कहीं दूर दूर तक है नहीं, तो क्या यह कथन सही होगा, यह कहीं से ही सही नहीं होगा। ये दोनों जो कंक्लूजन निकल रहे हैं वो दोनों गलत हैं, यानी इसमें से कोई कंक्लूजन सही नहीं है, यानी एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें दोनों दिया है कि न एक का अनुसरण कर रहा है और न ही दो अनुसरण कर रहा है, यानी कोई कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कुछ बिल्लियां चूहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्लियां, कुछ बिल्लियां क्या है, चूहे हैं। कुछ बिल्लियां चूहे हैं और अगला स्टेटमेंट में कह रहा है कि सभी चूहे क्या हैं, कुत्ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। अब हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या क्या निकलता है, निष्कर्ष इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। कुत्ते का सर्किल जे वाला है और चूहे का सर्किल ये है, यानी कुत्ता इतने बड़े एरिया में है और चूहा क्या है, इतनी छोटी एरिया में है, यानी इसकी बात कर रहा है ये, इसकी। क्या सभी कुत्ते चूहे हैं, नहीं, कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो कि चूहे हैं, जो इतने एरिया वाले ऐसे कुत्ते हैं जो चूहे हैं। तो यहाँ सभी कुत्ते चूहे वाला जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे हम आगे बात करें, अगला निष्कर्ष है कि सभी चूहे, ये तो स्टेटमेंट हो गया। अगला निष्कर्ष है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ कुत्ते बिल्लियां, जैसे कि ये कुत्ता वाला सर्किल हो गया और बिल्लियों वाली सर्किल ये हो गया, यानी इतने भाग में जो हैं कुत्ते वो क्या हैं, बिल्लियां हैं। तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया। इसका जो दूसरा निष्कर्ष है वो अनुसरण कर रहा है और पहला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट सही होगा बी, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कुछ स्मारक घड़ियां हैं, कुछ स्मारक जो हैं घड़ियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायग्राम हो गया। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है, कोई भी घड़ी समय नहीं है, क्या है, कोई भी
जो घड़ी है समय नहीं है, यानी इस तरह से डायग्राम, यानी सभी स्मारक कुछ स्मारक घड़ियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और जो कोई भी घड़ी समय नहीं है। इसका डायग्राम इस तरह से हो गया। इसके निष्कर्ष दो दिए हुए हैं, इसके निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष इसके निष्कर्ष दिया हुआ है कि कोई भी स्मारक समय नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ इस चीज को ध्यान से आप देखिएगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। कह रहा है कि कोई भी स्मारक समय नहीं है, यानी स्मारक और समय में क्या रिलेशन है आपको कहीं से दूर दूर से दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से कहीं से दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है कि इन लोग में कोई रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके स्मारक और समय के बीच में कोई चीज नहीं दिया गया है। हमें तो कथन जो है उसमें बताया गया है कि समय और घड़ी में हमें रिलेशन बताया गया है कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी घड़ी समय नहीं है और कोई भी समय घड़ी नहीं है। ये चीज़ तो हमें मालूम है, लेकिन ये चीज़ नहीं मालूम है कि स्मारक और समय में कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से पहला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा है जो भी स्टेटमेंट में कहा गया है। अगर हम अगले स्टेटमेंट की बात करें कि सभी घड़ियां स्मारक हैं, सभी जो घड़ियां हैं ये क्या सभी घड़ियां स्मारक हैं, ये राइट है? तो घड़ियां वाले इतने जो भाग हैं वही तो स्मारक हैं, पूरे घड़ियां तो स्मारक हैं नहीं। तो एक इसलिए दूसरा भी जो कथन है, इसका कथन से निष्कर्ष निकल रहा है वो भी रॉन्ग होगा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला है कि सभी कुर्सियाँ खिड़की हैं, सभी जो कुर्सियाँ हैं वो क्या हैं, खिड़की हैं, खिड़की, ठीक है फ्रेंड्स। अगला स्टेटमेंट है कि कोई भी खिड़की दरवाज़ा नहीं है, कोई भी जो खिड़की है वो क्या है, दरवाज़ा नहीं है। इसका डायग्राम इस तरह से ड्रॉ होगा, और हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके देखते हैं कि निष्कर्ष क्या क्या इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें निष्कर्ष पहला दिया हुआ है कि कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं। तो कुछ कुर्सियां तो दरवाजे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कुर्सियां दरवाजे होने की बात कही जा रही है। तो कुछ कुर्सियां दरवाजे होने की यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं है सेंटेंस में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगले कंक्लूजन की बात करें, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से ये रॉन्ग हो रहा है। अगला कंक्लूजन है कि कोई भी दरवाज़ा खिड़की नहीं है, कोई भी दरवाज़ा खिड़की नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट है, क्योंकि कोई भी खिड़की दरवाज़ा नहीं है तो कोई दरवाज़ा भी खिड़की नहीं हो जाएगा, इसलिए ये दूसरा जो कंक्लूजन है वो क्या है, राइट है। अब यहाँ पे कुर्सी वाली बात करते हैं, पहला गलत क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे लगा हुआ है कि सभी कुर्सियाँ क्या हैं, खिड़की हैं, तो इसके साथ भी यहाँ पे नो का रिलेशन बनेगा दरवाज़ा के बीच, क्योंकि हमने जब बताया था वहाँ पे कि सभी जो अलाहाबाद वाले के लिए क्या है, जब सभी भारतीयों को चाइना जाने के लिए बैन कर दिया गया, तो यहाँ पे अलाहाबाद वाले जो इसके बीच में हैं, अलाहाबाद वाले और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें हम, मिर्ज़ापुर वाले डिस्ट्रिक्ट चाहे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी सब बैन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसके जो बीच में होता है वो क्या करता है, इससे रिलेशन जो बनाता है उससे भी वो बनाता है। तो यहाँ पर अगर नौ का रिलेशन बन रहा है तो यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि नो के रिलेशन वाले में हमने सेंटेंस नो का बताया था, उसमें चार तरह के रिलेशन बन रहे थे, तो उसमें से एक रिलेशन जे वाला भी होगा, तो इसलिए एक सही और एक गलत यहाँ पे हमारा कंक्लूजन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सभी माँ आंटी हैं, क्या है, सभी माँ हैं जो
क्या है, आंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अगले हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं कि सभी आंटी महिलाएं हैं, सभी आंटी जो हैं क्या हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब अगर हम इसकी निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष इसमें दिया हुआ है। निष्कर्ष अगर हम पहले निष्कर्ष की बात करें तो सभी महिलाएं माँ हैं। क्या सभी महिलाएं माँ हैं? नहीं, इतने भाग वाले ही तो महिलाएं माँ हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगले कंक्लूजन की बात करें कि सभी महिलाएं आंटी हैं। सभी महिलाएं क्या आंटी हैं? नहीं, इतने भाग वाले ही तो, जो ये भाग है इतने भाग वाले ही तो आंटी हो रही हैं जो महिलाएं, बाकी के जो महिलाएं होंगे वो कुछ और होंगे, सिस्टर होंगे, ठीक है, बुआ होंगे, मामी होंगे, आंटी नहीं होंगे। आंटी केवल इतने भाग जो इसमें बचा है वही केवल हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, जो हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं वो दोनों कंक्लूजन अनुसरण नहीं करते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन आप सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कुछ व्यापारी अमीर हैं, जैसे हम व्यापारी बना लिए, व्यापारी जो कुछ व्यापारी हैं क्या हैं, अमीर हैं, अमीर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट क्या है, बिड़ला अमीर है, यानी अमीर है बिड़ला, तो यहाँ पे रहेगा बिड़ला। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हमने डायग्राम पर ड्रॉ कर लिया जो स्टेटमेंट दिया हुआ था। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में कह रहा है कि बिड़ला एक व्यापारी है। पहला कंक्लूजन है कि बिड़ला एक व्यापारी है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन राइट है या रॉन्ग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसको देखें कि क्या इसमें राइट है क्या रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिड़ला है, अगर हम अमीर आदमी की बात कर दें तो व्यापारी और बिड़ला, बिड़ला इनका डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है, क्योंकि जो हमारे पास स्टेटमेंट में है वो व्यापारी और अमीर की बात करी है, बिड़ला और व्यापारी की कहीं से कोई बात नहीं की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डायग्राम इस तरह से बन रहा है, इन लोग के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इन लोग के बीच में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमारे पास ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो बिड़ला है वो व्यापारी है। ठीक है फ्रेंड्स, बिड़ला एक व्यापारी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले कंक्लूजन की बात करते हैं, बिड़ला के पास एक बड़ा फॉर्म है, बिड़ला के पास एक बड़ा फॉर्म है, तो इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं दिया गया कि बिड़ला के पास फॉर्म है या नहीं है, कुछ भी कुछ पता नहीं है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे इस निष्कर्ष को। ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता, यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसलिए जो कंक्लूजन है पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं जैसा कि स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी सितारे ग्रह हैं, क्या है, जो सभी सितारे हैं वो क्या है, सभी सितारे ग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी ग्रह क्या हैं, जो सभी ग्रह हैं वो क्या है, चांद है, सभी ग्रह क्या है, चांद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से है। अगर इसकी हम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है कि सभी चांद ग्रह हैं। क्या सभी चांद ग्रह हैं? सभी चांद ग्रह नहीं है, क्योंकि जो इतने घेरे में है वही ग्रह तो ही चांद है, पूरा इतना बड़ा तो चांद है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
अगले कंक्लूजन की बात करते हैं कि कुछ ग्रह सितारे हैं, कुछ ग्रह सितारे हैं, तो ग्रह हमारा इतना बड़ा है और सितारे इतने हैं, यानी कुछ ग्रह सितारे हो सकते हैं, तो हमारा दूसरा जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन पहला गलत, दूसरा सही, यानी दूसरा अनुसरण कर रहा है और पहला अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ऑप्शन में हमारा दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि कितने इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसलिए सारे क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन में बहुत सोचने और समझने की बात हो जाती है कि किस तरह से ये सही होंगे, और थोड़ी सी मिस्टेक आपको पूरे क्वेश्चन को गलत करा देगा जब तक कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो कंसेप्ट को आप ज़रूर देखें, इसके बाद क्वेश्चन को हल करें। तो फ्रेंड जैसे कि हम हल करा रहे हैं, इसको आप मोबाइल को पॉज करके जब आप यूट्यूब देखो तो क्वेश्चन को पहले हल कर लें, इसके बाद आप फिर यहाँ पे हल किया हुआ देखें। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ कलियाँ फूल हैं, कुछ कलियाँ क्या हैं? फूल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी फूल पेड़ हैं, ये जो सभी फूल हैं वो क्या हैं? पेड़ हैं। ठीक है, अगला है सभी पेड़ पत्तियां हैं, जो सभी पेड़ हैं वो क्या हैं? पत्तियां हैं, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या निष्कर्ष सही हो रहे हैं, जो निष्कर्ष स्टेटमेंट के हिसाब से हमें ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका निष्कर्ष है पहला कि कुछ पत्तियां कलियां हैं, पहले निष्कर्ष कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है कि कुछ पत्तियां कलियां हैं, यानी कुछ जो पत्तियां हैं वो कलियां हैं, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सभी क्या है? सभी फूल पत्तियां हैं, सभी फूल पत्तियां हैं, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पे पहला और दूसरा जो कथन है वो दोनों ही अनुसरण स्टेटमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा ये दोनों सही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे कि सभी बोतलें पेंसिल हैं, जो सभी बोतलें हैं वो क्या हैं? पेंसिल हैं, पेंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, अगले स्टेटमेंट की बात करें तो कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, कोई भी जो पेंसिल है वो क्या है? स्कूल नहीं है, इस तरह से। तो जो इसके जो ऑल के साथ बनाता है वो सम के साथ भी रिलेशन वही बना लेता है, तो इस तरह से होगा। अगर इसके हम कंक्लूजन की बात करें कि कंक्लूजन किस तरह से निकल रहे हैं, तो अगर इसके निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, पहला है कुछ बोतल स्कूल हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है और कोई भी स्कूल पेंसिल नहीं है, तो बोतल का भी वही रिलेशन बनेगा जो कि पेंसिल के साथ स्कूल बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑल के साथ जुड़ रहा है पेंसिल के साथ। हमने पीछे काफ़ी इस चीज़ को क्लियर किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, जब सभी बोतल स्कूल नहीं है तो कुछ बोतल स्कूल नहीं होंगे, तो पहला हमारा राइट हो जाएगा। अगले हम बात करते हैं सेकेंड नंबर की कंक्लूजन की, कुछ स्कूल बोतल नहीं है, तो हम देखेंगे कि कुछ स्कूल बोतल नहीं है, तो ये भी राइट हो जाएगा। यानी कुछ बोतल स्कूल नहीं है तो ये भी राइट हो जाएगा, और कुछ स्कूल बोतल नहीं होंगे। अगर हम तीसरे कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है कि कुछ पेंसिल स्कूल हैं, जो कुछ पेंसिल हैं वो स्कूल हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी पेंसिल ऐसा नहीं है जो कि स्कूल है, और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो कि पेंसिल है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो पॉजिटिव होने की कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रॉन्ग होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जब आप कंसेप्ट देखे होंगे
तो आपको वहाँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, आगे और भी क्वेश्चन हम करेंगे। आई होप कि इन सारे क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि आप जब कंसेप्ट समझे होंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से समझ में आए होंगे, और इजी तरीके से और भी आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अगले दिन।